ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट और शादियों वाली गोभी। ये जो गोभी आलू की रेसिपी है इसमें हम प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं करेंगे, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इस गोभी की सब्जी में आपको एक एक बाइट में बहुत सारे फ्लेवर्स मिलेंगे और ये इतनी टेस्टी बनती है कि आप अपनी उंगलियाँ भी चाट जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट और शादियों में मिलने वाली गोभी आलू और मटर की रेसिपी, और वो भी बिना प्याज लहसुन के, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मटर ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं। चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी साइज़ की गोभी ले ली है, इसके मैंने फूल इस तरीके से निकाल लिए हैं और इसको नमक के पानी में 10-15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था, जिससे कि अगर इसमें कीड़े वगैरह होंगे तो वो निकल जाएंगे। अब हम गोभी को इस तरह से काट लेंगे, ना ही ज़्यादा बड़े टुकड़े रखने हैं और ना ही ज़्यादा छोटा करना है। ये देखिए इस तरह से काटना है हमें। ये सारी गोभी काट ली है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है आलू, ये मैंने एक आलू लिया है और मैंने इसको छील करके वॉश कर लिया था। इसको भी हम इस तरह से लंबा लंबा काट लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो ये सब्जियाँ कट के रेडी हो गई है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं 2-3 चम्मच के करीब तेल। तेल के अच्छे से गर्म हो जाने पर हम इसमें डाल देंगे गोभी और इसे हमें फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। गैस की फ्लेम हमें फुल रखनी है पूरे प्रोसेस में, और साथ ही में एक बात का और ध्यान रखिए, इसे हमें ढकना नहीं है। अगर हम इसे ढक देंगे तो फ्राई होने के बजाय वो स्टीम हो जाएगी और वो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट नहीं आएगा। इसको चलाते रहें बीच बीच में और अच्छे से गोल्डन होने तक पका लें। सब्जियों को हमें 90% ही कुक करना है और 10% हम मसालों के साथ में पकाएंगे। तो जब तक ये पकती है तब तक हम एक मसाला रेडी कर लेते हैं। इसमें हम प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करने वाले, तो सिंपली यहाँ पर मैंने ले लिए 2 टमाटर। इसको इस तरह से रफली चॉप करके डाल देंगे मिक्सी के जार में। साथ ही में यहाँ पर मैंने ले लिए 5-6 काजू, इसको भी डाल देंगे। और साथ ही में 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। अदरक का टुकड़ा आप छील के यूज़ करें। अब इसमें हमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है, इसी तरीके से हम पीस लेंगे। बस इतनी ही चीज़ें हमको ग्राइंड करनी है। ये देखिए इस तरह से पेस्ट बन करके रेडी हो गया है। और इधर देखिए ये गोभी भी गोल्डन कलर लेने लग गई है, किस तरह से गोल्डन हो गई है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब हम आलूओं को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम इस टाइम पर भी हमको फुल रखनी है और इसको भी बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे। आप चाहो तो गोभी और आलू दोनों को एक साथ में ही पका सकते हैं, पर फिर तेल थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा, और इसलिए अच्छा ये है कि एक एक करके आप पकाएं तो तेल भी कम लगेगा। तो ये देखिए आलू भी अच्छे से गोल्डन हो गए, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, 90% ही कुक करना है। अब ये पैन में से हम ऑयल निकाल लेंगे, सिर्फ 1 चम्मच ऑयल छोड़ देंगे इसके अंदर। अब इस तेल में हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग। हींग ज़रूर यूज़ कीजिएगा, डाइजेशन में भी अच्छा रहता है और साथ ही में फ्लेवर भी बहुत बढ़ा देता है। इसके बाद में डाल देंगे 1/2 टीस्पून के करीब जीरा, अच्छे से चटक जाने देंगे। तो देखिए जीरा तड़क गया, अब इसके अंदर डाल देंगे अदरक। ये इस तरह से मैंने लंबाई में काट लिया है। अगर आपको इसके बाइट्स पसंद ना हो तो आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। हल्का सा भून लेंगे इसको भी, और साथ ही में डाल देंगे इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 मिर्ची ली हैं। दोनों चीज़ों को थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें बढ़िया सा कलर लाने के लिए रेस्टोरेंट और शादियों में क्या किया जाता है, इसमें देगी मिर्च डाली जाती है, यानी कश्मीरी लाल मिर्च डाली जाती है। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे इसमें बढ़िया लाल रंग आता है, ये तीखी नहीं होती है, बस कलर के लिए डाली जाती है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब गैस की फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे और इसमें डाल देंगे तैयार किया हुआ टमाटो प्यूरी, यानी जो टमाटर पीस के रखा हुआ था वो डाल देंगे इसमें। सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे। अब बारी है मसाले डालने की। तो मसालों में सबसे पहले डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें किचन किंग मसाला। ये मसाला रेस्टोरेंट और शादी में ज़रूर डाला जाता है, अगर आपके पास नहीं है तो इसके बिना भी बना सकते हैं, बट शादी रेस्टोरेंट में इसको ज़रूर डाला जाता है। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है और साथ ही खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो मैं आपके साथ में बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को और ढककर मसालों को अच्छे से पका लेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दें। मीडियम फ्लेम कर देंगे। तो जब तक ये पकते हैं तब तक एक पैन में हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के रोस्ट कर लेंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है, इसको इसी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। रोस्ट करके डालने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है,
ध्यान रखिएगा ये बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा ही रोस्ट करना है। तो देखिए रोस्ट हो गई है, अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और पैन में ही हम छोड़ देंगे, क्योंकि पैन अभी गर्म है तो ये थोड़ी और भुन जाएगी। और इधर ही मसालों को चेक करते हैं, तो ये देखिए मसालों ने भी ऑयल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के घर की मलाई। वैसे रेस्टोरेंट वगैरह में क्रीम यूज़ की जाती है, बट हमारे पास अगर घर में मलाई है तो हम उसी का यूज़ करेंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए मलाई डालते ही आपको इसको थोड़ी देर के लिए चलाना होगा लगातार, जिससे कि फटे नहीं। एक बॉयल आने तक आपको इसको चलाना है। ये देखिए बॉयल आने लग गया है, बुलबुले उठ रहे हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी चीनी, लगभग आधी टीस्पून के करीब चीनी डाल रही हूँ। इससे मीठा नहीं होगा बट जो स्वाद है वो बैलेंस हो जाता है। मिक्स करेंगे, अब हम इसे फिर से ढक देंगे और 2 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे कि मलाई भी अच्छे से पक जाएगी। तो जब तक ये पकता है तब तक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, उसके बाद इस घंटी को दबाना है। ऐसा करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो ये देखिए मलाई ने और मसालों ने अच्छे से तेल और घी छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर फ्राई की हुई अपनी सब्जियां डाल देंगे, गोभी और आलू। साथ ही में यहाँ पर मैंने 1/2 कप मटर ली है। मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को। ये मैंने फ्रोज़न वाली मटर यूज़ की है, अगर आपके पास फ्रेश मटर हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, और या फिर अगर आपके पास कोई मटर अवेलेबल नहीं है तो बिना मटर के भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम 1/4 कप के करीब पानी डाल देंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से, और अब हम इसे ढक देंगे और 3-4 मिनट के लिए और पका लेंगे। ये देखिए 3-4 मिनट के बाद में ये सब्जी चेक कर लेते हैं हम। हमने 90% इसको पहले ही फ्राई करके पका लिया था और 10% ये इस टाइम पर पक जानी चाहिए। ये बिल्कुल बढ़िया तरह से पक चुकी है। अब लास्ट में इसके अंदर डाल देंगे 1/4 टीस्पून के करीब गरम मसाला, और साथ ही में जो रोस्ट करके हमने कसूरी मेथी रखी थी वो भी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स इस सब्जी को आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप हमेशा इसी तरह से सब्जी बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है ये सब्जी, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा आपको। सारी स्टेप्स आप फॉलो कीजिएगा, इसे आप पूड़ी पराठे या किसी भी चीज़ के साथ में खाएंगे उसका स्वाद ये काफ़ी बढ़ा देगा। और ये देखिए सब्जी के एक एक पार्ट में बहुत ही अच्छे से मसाले गए हैं, पूरे अच्छे तरीके से सब्जी कोट हुई है, बहुत ही बढ़िया तरीके से पक भी गई है और तैयार है बिल्कुल रेस्टोरेंट और शादियों वाली आलू गोभी की सब्जी, बिल्कुल वही वाला टेस्ट आएगा। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी बताइएगा ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करके, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। और इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।